वक्त मैं आपको लाइव तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे आज तीन अध्यादेशों के खिलाफ 17 किसान संगठनों ने प्रदर्शन करना था। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं इस वक्त सिरसा के बाबा भूमन शाह चौक की, जहाँ पे किसान संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों की पुलिस के साथ झड़प हो गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि किस तरह से किसान है वो बैरिकेड हटाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसानों ने बैरिकेड्स है वो हटा दिए हैं और अब एक पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर लिया है, आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से किसानों को खदेड़ा जा चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि किसानों को खदेड़ा जा चुका है। किसान है पीछे हट गए हैं क्योंकि किसान है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला और चौधरी रंजीत सिंह है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे और उनके घर का घेराव करने के लिए किसान है वो बैरिकेड्स को हटाने का प्रयास कर रहे थे और अब जो है किसान है उनको पीछे खदेड़ा जा चुका है। वाटर कैनन पानी की बौछारें हैं, किसानों पर जो है वो प्रयास किया जा रहा है और ये कहूँगा कि जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किसानों को खदेड़ा गया है, हालांकि किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं, किसान फिर से वापस आ गए हैं और किसान है जिस गाड़ी पे किसान प्रदर्शन कर रहे थे वो गाड़ी के जो है एक साथ में किसान है वो बैठे हुए। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि पुलिस बल है वो भारी पुलिस बल वो यहाँ पे मौजूद है और करीब 4 जिलों की 3,000 से अधिक पुलिस कर्मचारी यहाँ पे बुलाए गए थे क्योंकि दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान से 100 मीटर दूर तक जो है पूरी तरह से ये घेराबंदी की हुई थी। बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे और इन बैरिकेड्स के साथ साथ लोहे की बड़ी पाइप के साथ इन बैरिकेड्स को बांधा गया था और किसानों ने वो जो है उखाड़ दिए हैं बैरिकेड्स। मैं आपको तस्वीरें इस वक्त लाइव दिखा रहा हूँ, हालांकि बैरिकेड्स उखाड़ते वक्त किसानों की पुलिस कर्मचारियों के साथ झड़प भी हुई है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ हरियाणा के सिरसा की, जहाँ पे तीन अध्यादेशों के खिलाफ आज सिरसा में जो किसान संगठन है 17 किसान संगठनों का जोरदार प्रदर्शन था और किसान इससे पहले दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह के जो निवास स्थान के घेराव से पहले किसान है वो दशहरा ग्राउंड में एकत्रित हुए थे और अब जो किसान है वो पूरी तरह से जो ये कहूँगा कि भड़क चुके हैं। वाटर कैनन उन पे जो है डाला गया है, आंसू गैस के गोले हैं वो किसानों पर छिड़के गए हैं डाले गए हैं और मैं आपको तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ हरियाणा के सिरसा की। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। किसानों को खदेड़ा जा चुका है, किसान नेताओं को खदेड़ा जा चुका है, किसानों पर वाटर कैनन की बौछारें हैं वो की जा रही हैं, आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। किसान जो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और चौधरी रंजीत सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, हालांकि भारी पुलिस बल है वो तैनात किया गया था। दुष्यंत चौटाला और चौधरी रंजीत सिंह है वो हालांकि आज यहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो चंडीगढ़ में थे, कल ही दुष्यंत चौटाला है वो सुबह निकल चुके थे, लेकिन आज जो है किसानों का बड़ा प्रदर्शन है वो सिरसा में वो है वो हो रहा है। मैं आपको तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ और ये कहूँगा कि जो पूरी तरह से वाटर कैनन की बौछारें हैं वो किसानों पर लगातार वो की जा रही है, हालांकि किसानों को खदेड़ दिया गया है। इस वक्त मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ सिरसा की, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। किसान 17 किसान संगठनों के अलावा सिंगर्स और तमाम जो लोगों ने वो यहाँ पे आज दशहरा ग्राउंड में बड़ा प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन के बाद जो है किसान है वो बाबा भूमन शाह चौक पर जमा हो गए थे, एकत्रित हो गए थे और नारेबाजी कर रहे थे दोनों नेताओं के खिलाफ और कह रहे थे कि दोनों नेता है वो त्याग पत्र दे, इस्तीफा दे उसको लेकर के। और जैसे ही बैरिकेड्स तोड़ने के बाद जो किसान है उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वाटर कैनन और जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए जिनको किसानों को फिलहाल है वो खदेड़ दिया गया है। मैं आपको तस्वीर इस वक्त सिरसा की दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।